नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं नवरात्रि उपवास। जानिए नवरात्रि पूजन और व्रत की विधि क्या है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल में चार बार नवरात्रि मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा की बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि पौष चैत्र आषाढ़ और अश्विनी में मनाया जाता है। इसमें से दो नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दो नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन देवी की शक्ति की आराधना की जाती है। इन दिनों हर कोई देवी माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। आज हम आपको नवरात्रि उपवास से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस वीडियो में आपके लिए क्या है खास। नवरात्रि उपवास साधना के लिए क्या आपको करना है वो अब हम अपने वीडियो में बताते हैं। नवरात्रि उपवास साधना के लिए होता है, जिसको बहुत ही प्रमुखता के साथ भारत में मनाया जाता है। देवी दुर्गा को समर्पित इस त्यौहार के पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाने का चलन है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार व्रत की सही विधि न मालूम होने की वजह से व्रत पूरी तरह से फलदायी नहीं हो पाता। इसलिए नवरात्रि उपवास की कुछ विधि होती है, जिनको जानने के बाद आप दुर्गा माता को प्रसन्न करने में सफल हो सकते हैं। नवरात्रि व्रत विधि के लिए कुछ जरूरी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिनकी चर्चा आज हम अपने वीडियो में कर रहे हैं। नवरात्रि के दिनों कई लोग 8 दिनों तक व्रत रखते हैं, तो कई लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। नवरात्रि उपवास के दौरान लोग सिर्फ फलहार करते हैं, जिसमें फल आदि शामिल होते हैं। इन दिनों सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह नमक काफी साफ सुथरा माना जाता है और इसे व्रत का नमक भी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम के जन्म की रस्म और पूजा के बाद ही घर में कन्या को भोजन कराया जाता है, जिसके बाद ही नवरात्रि उपवास को खोला जाता है। जी हाँ, नवरात्रि उपवास में अन्न नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसकी जगह आप सिंगाड़े के आटे की लापसी, सूखे मेवे, कुट्टू के आटे की पूरी, समा के चावल की खीर, आलू का हलवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही, घिया आदि चीज़ों को भी अपने फलाहार में शामिल कर सकते हैं। कोई भी उपवास बिना पूजा के संपन्न नहीं होता, और प्रत्येक उपवास का अपना एक अलग महत्व है और एक अलग विधि है, जिसकी वजह से नवरात्रि उपवास की भी एक अलग विधि है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि उपवास की क्या विधि है। सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी को गंगा जल से पवित्र करें और फिर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। अब चौकी पर दुर्गा माता की प्रतिमा को लगाएं और अब कलश को इसके ठीक बाईं तरफ स्थापित करें। दुर्गा माता को लाल चुनरी और फूल की माला पहनाएं। इसके बाद माता की प्रतिमा और कलश को दीपक दिखाएं और फिर दीपक को माता की प्रतिमा के सामने रख दें। इसके बाद माता को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सामान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, अष्टगंध आदि अर्पित करें और काजल लगाएं। याद रहे कि इन दिनों अखंड ज्योत जलाना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि पूरे 9 दिन तक चलती रहनी चाहिए। जी हाँ, एक मिट्टी के बर्तन में गोबर के उपले को सुलगाएं और इसके बाद उसमें हवन सामग्री डालें और फिर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर हवन करें। हवन सामग्री में पताशे जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सदस्य 5-5 बार हवन की आहुति दे और फिर हवन कुंड को उसी जगह रख दे। हवन करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े होकर दुर्गा आरती करें। इसके लिए कपूर को जलाएं और देवी माता के सामने घुमाएं। इस दौरान घंटी बजाते हुए आपको आरती करनी है। इस तरह से दुर्गा पूजा की विधि समाप्त होती है और इसके बाद उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।